शुभ नवरात्रि भक्तों, जय माता दी भक्तों। आठवां रूप नवरात्र में माँ का महागौरी का है भक्तों। माँ महागौरी हम लोग को संपन्नता प्रदान करती हैं भक्तों। माँ महागौरी की नवरात्रि में के आठवें दिन उपासना करने से भक्त के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं भक्तों। माँ भगवती का यह शक्ति विग्रह भक्तों को तुरंत और अमृत फल देता है। इनकी कृपा से साधक सभी प्रकार से पवित्र और अच्छे पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। ये भक्तों उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ के इस रूप की स्तुति करने से मनुष्य की प्रवृत्ति सत्य की ओर प्रेरित होती है और असत का विनाश होता है। ये भक्तों माता महागौरी का अति सौंदर्यवान शांत करुणामयी स्वरूप सबको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद देता है और भक्त की सभी मनोकामना पूरी करता है। ये भक्तों आठवें दिन कंदमूल चंद अथवा श्वेत शंख जैसे निर्मल गौरवण वाली महागौरी का ध्यान पूजन किया जाता है। इनके सभी वस्त्राभूषण और वाहन भी हिम के समान सफ़ेद या गौर रंग वाला विषम अर्थात बैल माना गया है। इनके चार भुजाएं हैं। इनमें ऊपर के दाहिने हाथ में वह मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ये भक्त ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी मनुष्य की प्रवृत्ति सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। ये भक्तों पार्वती रूप में जो माँ भगवती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, तब कठोर तप के कारण उनकी देह छीड़ा और वड़ काला पड़ गया। अंत में तपस्या से संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने जटा से निकलती पवित्र गंगा धारा का जल उन पर डाला तो वे विद्युत प्रभा के समान नति क्रांतिमय और गौरवण की हो गई। हे भक्तों तभी से माँ के इस रूप का नाम महागौरी पड़ा। माँ के इस रूप का ध्यान कर पूजा अर्चना कर नारियल का भोग लगाने वाले साधक को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हे भक्तों महागौरी हमें संपन्नता और सुख प्रदान करती हैं। इस रूप का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। ये मनुष्य जाति के लिए पूजन करना इनका बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर मनुष्य संपन्नता चाहता है, हरदम वो सुखी रहना चाहता है। हे भक्तों नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी का पूजन आप अवश्य करें और अपने लिए सुख संपन्नता माँ से मांगें। माँ हम लोग के आंचल में सुख संपन्नता भर दें। ते भक्तों माँ के इस दिन आप पूजन जरूर करें नवरात्र के आठवें दिन और अपने लिए सुख समृद्धि और शांति प्राप्त करें। हे भक्तों माँ का रूप बहुत ही क्रांतिमय और लौड़मयी है। भक्तों माँ के इस रूप से हम लोग का तेज भी बढ़ जाता है। भक्तों माँ के इस रूप का दर्शन करने से हम लोग भी क्रांतिमय बनते हैं। भक्तों तो आप भी माँ के इस रूप का दर्शन अवश्य करें, इससे हम लोग में क्रांतिमय आएगी और हम लोग में संपूर्णता आएगी। है भक्तों तो आप जरूर माँ के इस रूप का पूजन करें और उनसे सुख समृद्धि लें और अपने लिए सुख शांति लें। भक्तों